नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेंडिंग ट्यूब में। दोस्तों मेरा नाम है बिस्वा और इस वीडियो में मैं आपको सिंगापुर का टॉप 10 अट्रैक्शंस के बारे में बताऊंगा और 10 जगह ऐसा ऐसा जगह के नाम बताऊंगा जहां पे कि आप सिंगापुर अगर विजिट करें तो जरूर विजिट करें एक बार। टिकट्स के बारे में बताऊंगा कैसे आप अच्छे से अच्छा रेट में टिकट्स आप वहाँ का ले सकते हैं। सिंगापुर एक सेफ सिटी है दोस्तों, सिंगापुर एक बहुत ही क्लीन सिटी है, इकोनॉमिकली बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, बिजनेस हब है बेसिकली साउथ एशिया का और बहुत ही अच्छा डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर सिंगापुरियन डॉलर चलता है। तो दोस्तों 10 अट्रैक्शन शुरू करते हैं और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, आप आगे देखते रहिए। तो सबसे पहला अट्रैक्शन दोस्तों मैं लेके आया हूँ वो है यूनिवर्सल स्टूडियोज। यूनिवर्सल स्टूडियोज एक जैसे जानते हैं जहाँ पर डिज्नी रहता है वैसा ही यूनिवर्सल स्टूडियोज सिंगापुर में है, वो सेंटोसा आइलैंड में है और ये सेंटोसा आइलैंड आप सेंटोसा एक्सप्रेस से जा सकते हैं। इसका जो टिकट प्राइस है करीब करीब $75 का आपको लग जाएगा और इसका जो टाइमिंग है हर एवरीडे 10 AM टू 9 PM का रहता है। अगर आप टिकट बुकिंग चंगी रेकमेंड से करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा उसके बारे में बताऊँगा कैसे आप डिस्काउंट में टिकट आप ले सकते हैं। और बेस्ट टाइम टू विजिट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि वीकेंड में जाने के लिए, बट वीकडेज में आप ट्रैवल करिए, विजिट करिए, यहाँ पे आपको जल्दी आपको मिल जाएगा स्लॉट्स या फिर आपको अलग अलग अट्रैक्शन जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। टिप्स ये बताऊँ कि आपको दो अलग अलग एंट्री करने के बाद देखिए राइट साइड में जाता है एक रोड और एक लेफ्ट साइड में रोड जाता है। अगर आप ट्राई करेंगे लेफ्ट साइड से जाने के लिए ताकि आप एंड से शुरू करें, ताकि इधर से जो भी नॉर्मली विजिटर्स स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, अगर आप एंड से शुरू करेंगे तो आपको वेटिंग टाइम कम रहेगा। अच्छा अच्छा यहाँ पे अट्रैक्शन हैं, राइड्स वगैरह है और यहाँ पे बहुत सारे शो चलता है, जैसे यहाँ पे मैंने आप दिखा रहा हूँ वाटर शो वगैरह है, जुरासिक पार्क का शो है, बहुत अलग अलग बहुत अच्छा अच्छा अट्रैक्शन है यहाँ पे बच्चे के लिए। यहाँ पे स्काई फाई पार्क है जहाँ पे थोड़ा अलग अलग शोज चलते रहता है, रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं और ये सब भी अट्रैक्शंस हैं। आप इसके लिए वेटिंग टाइम रहता है, आप इसलिए थोड़ा सा जल्दी आप प्लान करें या फिर आप एंड से शुरू करें ताकि आपके लिए ठीक टाइम पे आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स के बारे में जब बात करूँ तो यहाँ पे इंडियन फूड भी आपको मिल जाता है अच्छा, आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और ये दोस्तों बुकिंग करने के लिए आप चैंगी रेकमेंड्स में जाके बुक कर लें ताकि आपको डिस्काउंट वगैरह भी अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पे हर वक्त कुछ कुछ शो चलते रहता है, आप उस शो का भी मज़ा ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये सब चलते रहता है। ये एग्ज़िट है दोस्तों, जब आप निकलने के टाइम पे आसपास इवनिंग हो जाता है, अगर आप ये पूरा फुल डे लेके चलें और ये ग्लोब है यूनिवर्सिटी पे, ज़रूर यहाँ पे फ़ोटो लेना ना भूलें जब आप जा रहे हैं दोस्तों। मॉर्निंग में एंट्री में एक फ़ोटो ले लीजिएगा और इवनिंग में एग्ज़िट में एक फ़ोटो ले लीजिएगा जो कि ग्लोब्स का ऐसे तो ही उस। सेकेंड में दोस्तों सी एक्वेरियम है जो कि सेंटोसा आइलैंड में है और ये यूनिवर्सल स्टूडियो के पास में ही है। इसमें 1 लाख से ज़्यादा मैराइन एनिमल हैं यहाँ पे और इसका जो प्राइस की बात करूँ तो $36 के आसपास लगता है ये प्राइस। सेम आप सिंगापुर जो कि चंगी रेकमेंड्स बोल के एक वेबसाइट है वहाँ से आप बुक कर लें तो आप कंबाइन करके सब कुछ कर लेंगे तो आपको अराउंड $60 to $80 के आसपास डिस्काउंट मिल जाता है टोटल में, अगर आपका बुकिंग वैल्यू $320-$300 से ज़्यादा होता है तो। इसका जो टाइमिंग है ये 10 AM टू 6 PM का है और इसका जो वेटिंग टाइम तो ज़्यादा नहीं लगता है यहाँ पे, लेकिन आपको जब एंट्री करने के लिए जब लाइन लगता है वो बहुत ही बड़ा लाइन लगता है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको जल्दी ही जितना जल्दी आप जा सकते हैं वहाँ पे जाके लाइन लग जाएं। और यहाँ पे 800 स्पीसीज का मैराइन एनिमल्स हैं, जेली फिश वगैरह आपको मिल जाएगा, ड्रैगन फिश और बहुत ही अलग अलग वैराइटीज़ का, जितना तो मैं भी नाम भी नहीं सुना था वो सारे यहाँ पे मैराइन एनिमल्स अवेलेबल हैं दोस्तों यहाँ पे। ज़रूर एक बार विजिट करें आपके बच्चों के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जगह है दोस्तों ये। और एडल्ट्स का प्राइस $36, बच्चों का एक बार नेट पे आप चेक कर लें, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेरी करता है वो, लेकिन अराउंड $20 के आसपास होगा। और बेस्ट टाइम टू विजिट है ये है वीकडे, जहाँ पे कि आप वीकडे में ही ट्रैवल करें विजिट कर लें, वीकेंड में अगर आप विजिट करेंगे तो मे बी बड़ा लाइन लगने के लिए आपको संभावना ज़्यादा है। बहुत ही अच्छा अच्छा स्पेसिस है दोस्तों, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, इसका वीडियो ले सकते हैं, इसके फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं।
नेक्स्ट आता है बीच का, जो कि सिलोसो बीच एंड पालावन बीच, ये भी सेंटोसा में है। और ये दोस्तों एक आर्टिफिशियल बीच है, जहाँ पे कि आपको अगर आप जो आप सेंटोसा जो कि सेंटोसा एक्सप्रेस में अगर आप आएंगे, तो लास्ट स्टेशन जो है सेंटोसा एक्सप्रेस का वो है बीच स्टेशन। आप डायरेक्ट वहाँ पे उतर जाएं। और सेंटोसा एक्सप्रेस आपको पता होगा तो कि $4 का ही फीस लगता है, तो वन वे का ही पैसा लगता है, रिटर्न में फ्री आपको मिल जाता है। और अगर आप सेंटोसा एक बार घुस गए आइलैंड, तो अंदर में बस में आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। इसका जो फी है फ्री है, ये दोनों बीचेस फ्री हैं। और लेफ्ट में जो सिलोसो बीच था, ये दोस्तों पालावन बीच का फोटो है, मैंने जो वीडियो जो दिखा रहा हूँ ये। और ये साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल एशिया है बेसिकली पालावन बीच। अगर आप जो लेफ्ट में आप एंट्री करने के टाइम पे अगर आप लेफ्ट जाते हैं, तो आपको पालावन बीच में आएंगे, और राइट जाएंगे तब आप सिलोसो बीच में आ जाएंगे। सिलोसो बीच में नॉर्मली बीच फेस्टिवल वगैरह चलता है, गेम्स वगैरह होते रहता है, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। अगर आप फ्रेंड्स के साथ हैं, पार्टी करना चाहते हैं, तो ज़रूर यहाँ पे कहीं पे भी जगह ले लें और मस्ती कर, मतलब एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आप लोग। और बहुत ही अच्छा जगह है वीकेंड में टाइम स्पेंड करने के लिए, बेहतरीन जगह है ये सिंगापुर में। और सब कुछ बनाया हुआ है, गवर्नमेंट में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन आप 5 PM के बाद आप स्विमिंग नहीं कर सकते यहाँ पे, ये रेस्ट्रिक्शंस है। इसके बाद जो अट्रैक्शन है दोस्तों, ये है मरीना बे सैंड, ये 4 नंबर पे आता है। और मरीना बे सैंड एक होटल है बेसिकली, बहुत ही बड़ा होटल है ये, और ये लार्जेस्ट अट्रैक्शन है सिंगापुर में। आप कहीं पे भी जाएंगे तो इसका नज़ारा देखने के लिए आपको मिल जाएगा। और इसमें 2561 रूम्स है दोस्तों। इसमें अंदर कैसीनो है, इसके अंदर शॉपिंग सेंटर्स हैं, इसके अंदर बहुत कुछ है जो कि आप मजा ले सकते हैं। रेन ऑक्यूलस भी है, अगर आप वहाँ पे जाके आप अंडरग्राउंड में नीचे में जाएंगे तो रेन ऑक्यूलस मिल जाएगा, उसका भी वीडियो मैं आपको भी दिखाऊंगा। और इसका और भी कुछ चीज़ें बता दूँ, जैसे कि टॉप फ्लोर इसमें 57 कुछ फ्लोर्स हैं या 58 कुछ फ्लोर्स हैं। अगर आप ऊपर जाएंगे तो एक इन्फिनिटी स्विमिंग पूल आपको मिल जाएगा, जहाँ पे कि आप उसका स्विमिंग पूल का भी नज़ारा ले सकते हैं। ये वीडियो मैंने बाहर से लिया था, जैसे कि आप बस में अगर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर MRT से आ रहे हैं, तब आप नियरेस्ट स्टेशन में उतर के आप यहाँ से आ सकते हैं। तो ये है अंदर का जो होटल का एंट्रेंस दोस्तों, चेक इन चेकआउट वाला जो लॉबी एरिया, लॉबी सेक्शन है, यहाँ पे आप चेक इन चेकआउट कर सकते हैं अगर आप होटल में स्टे करना चाह रहे हैं तो। होटल का प्राइस ज़्यादातर ज़्यादा ही रहता है, मे बी इंडियन करेंसी में अराउंड 20 या 30,000 के आसपास रहता है नॉर्मली। और इसका जो टाइमिंग बता दूं मैं, 9:30 AM टू 10 PM तक बेसिकली ये खुला रहता है फॉर आउटसाइडर विजिटर्स, और होटल के लिए तो एनी टाइम ओपन है। अगर आप घूमना चाह रहे हैं तो आपको ये है दोस्तों, रेन ऑक्यूलस है ऊपर में, ऊपर का इसमें नीचे में देख सकते हैं पानी में, यहाँ पे बोटिंग वगैरह चलता है, और कंप्लीट एरिया में यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। पूरा अराउंड 500 मीटर के आसपास बोटिंग सेक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है ऑलरेडी वैसे हिसाब से। और साइड में चारों तरफ इसका शॉपिंग सेंटर्स है, इस शॉपिंग सेंटर का नाम है द शॉपर्स एट मरीना बे सैंड बेसिकली। और ये मरीना बे का ही कंपनी का ही बेसिकली शॉपिंग मॉल है। और ये जो ऑब्जर्वेशन डेक आप ऊपर देख रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन डेक है, इसके लिए आपको कुछ अराउंड $50 के आसपास एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ता है बस ये ऑब्जर्वेशन डेक में आकर देखने के लिए। यहाँ से आपको सिंगापुर का बहुत ही अच्छा नज़ारा मिल जाता है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट व्यू यहाँ पे सिंगापुर का देखने के लिए मिलता है। मैंने आसपास $35 में उसमें लिया था। उसके बाद दोस्तों आता है मैरलियन। मैरलियन आपको पता है कि जो कि लायन का हेड है और फिश का बॉडी है, और ये ही सिंगापुर का सबसे ज़्यादा, आप कहीं भी सिंगापुर का फ़ोटो देखेंगे तो इसका ही फ़ोटो आपको नज़ारे में दिखाई देगा। तो इस जगह पे ज़रूर जाएं एक बार आप सिंगापुर विजिट करें तो। और इसका जो फी है फ्री है बेसिकली, कुछ भी पैसा इसके लिए खर्च करना आपको नहीं पड़ेगा। और ये फेमस अट्रैक्शन है सिंगापुर का। और इसका जो फी है फ्री बता दिया मैंने, टाइमिंग 24 आवर्स है। इसमें एक लाइट शो आप जरूर देखें यहाँ पे, मरीना बे सैंड से जो लाइट शो शुरू होता है वो 2 टाइम पे आता है, 8 PM टू 8:15 PM और एक 9 PM टू 9:15 PM। यहाँ से आप मरीना बे सैंड का लाइट शो देख सकते हैं। ये जो एरिया था देख रहे हैं हम सामने में, यहाँ पे ही लोग खड़े होकर वहाँ पे जो लाइट शो होता है उसका नज़ारा लेते हैं, और उस नज़ारा का वीडियो में आप कैप्चर करना कभी भी ना भूलें दोस्तों। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो एरिया है, और ये जो सिंगापुर रिवर है उसी का ही एंड सेक्शन में बेसिकली ये हमारा मरीलियन स्थित है, और सिंगापुर रिवर उस साइड में ही आया हुआ है सिटी के अंदर से, और ये डाउनटाउन कोर एरिया में आता है। या ये फेमस अट्रैक्शन है भी, उसको नॉर्मली सिंगापुर का व्यू पॉइंट माना जाता है, जहाँ पे कि आके लोग कभी भी सेल्फी लेना नहीं भूलते हैं या फिर वीडियो लेना नहीं भूलते हैं। सामने दिख रहा है जो है मरीना बे सैंड, इससे पहले हमने बात किया, वो था हमारा 4th अट्रैक्शन।
इसके बाद दोस्तों आता है जो कि बेहतरीन जगह, जो कि चंगी एयरपोर्ट, और ये दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट पे माना जाता है। 7 बार कंटिन्यूसली स्काई ट्रैक्स ने उसको बेस्ट एयरपोर्ट का नाम दिया है। और इसका जो फी है फ्री है। यहाँ पे 4 अलग अलग टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल 1, 2, 3, 4, और सारे टर्मिनल में आपको कुछ ना कुछ अलग अलग नया अट्रैक्शंस देखने के लिए मिलेगा। और इसको ज़रूर आप एक बार पूरा फुल डे लेके विजिट करें ताकि आपको पूरा चंगी एयरपोर्ट का नज़ारा मिल जाएगा। उसमें आपको फ्री में मूवी थिएटर मिलता है, फ्री मसाज मिलता है, चिल्ड्रेन प्ले एरिया में अच्छा अच्छा चिल्ड्रेन प्ले एरिया मिल जाता है, अच्छा अच्छा चीज़ें मिल जाता है बच्चों के लिए खेलने के लिए, बटरफ्लाई गार्डन है, स्विमिंग पूल है, स्काई ट्रेन है अंदर में, रेन वर्टेक्स है, रेन वर्टेक्स आपको दिखाऊंगा आगे में। ये इसको नाम दिया गया जुएल चंगी बेसिकली। तो जो रेन वर्टेक्स है, मैंने मेरे पिछले कुछ वीडियो एक वीडियो में मैंने रेन वर्टेक्स के बारे में एक वीडियो भी लेकर आया था, आप देख सकते हैं उसको, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। और वो बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन है बेसिकली चंगी एयरपोर्ट में। और यहाँ पे बहुत शॉपर सेंटर, शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी हैं इसके अंदर में, और इसके अंदर में आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह भी अच्छा मिल जाता है। ये बेसिकली बड़ा सा सिटी जैसा है, चंगी एरिया में ये स्थित है। और ये एरिया आप पूरा फुल डे लेके चलें, सुबह से आके शाम तक आप इसको घूमते रहें। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर में रेन वर्टेक्स है, और ऊपर से ऐसा आर्किटेक्चर ऐसे बनाया हुआ है कि देख सकते हैं आप पानी का ऊपर से ही फ्लो आता है, और इसका हाइट करीब करीब 150 मीटर का हाइट है। यहाँ पे आप उसका नज़ारा ले सकते हैं और ज़रूर विजिट करें एक बार सिंगापुर आ रहे हैं तो। इसके बाद आता है गार्डन्स बाय द बे। गार्डन्स बाय द बे जो कि मेरीना बे सैंड का पीछे में है, और वहाँ पे आपको लाइट शो वगैरह होता है जो कि सुपर ट्री ग्रोव, ये देखिए इसको सुपर ट्री ग्रोव नाम जाता है, जो कि दीज आर ऑल सुपर ट्रीज। इसके ऊपर सेक्शन में रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है पूरा ऊपर टॉप में, वो भी खुला रहता है। और ये आपको विजिट करें ऑन द सेम डे जब आप मेरीना बे सैंड विजिट कर रहे हैं, तो उसी दिन ही विजिट कर लें। सुबह में मेरीना बे सैंड चले जाएं और शाम में गार्डन्स बाय द बे। इसका लाइट शो होता है और लाइट शो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और लाइट शो का टाइमिंग है करीब करीब 7:45 में एक बार लाइट शो होता है, और एक नाइट 8:45 में लाइट शो होता है। अगर आपको जो फ्लावर गार्डन या फिर क्लाउड फॉरेस्ट या फिर फ्लावर डोम वगैरह विजिट करना है, उसके लिए आपको कुछ $45 के आसपास आपको पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन ये जो चीज़ है, ये सुपर ट्री ग्रोव वगैरह जो पार्क है उसमें फ्री में भी अवेलेबल है। आप उनको अगर फ्री पार्क विजिट करना तो आप बोल दीजिए कि फ्री पार्क, उसके लिए कुछ भी चार्जेस नहीं लगता है। अगर आपको फ्लावर डोम वगैरह जाना है तो आप $45 एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं। मैंने लेकिन नहीं गया था फ्लावर डोम, लेकिन मैंने नाइट का जो लाइट शो है उसका नज़ारा लिया था, और वो है आपका वीडियो आपके सामने में। दोस्तों उसके बाद जो अट्रैक्शन है ये लिटिल इंडिया है। अगर आप इंडियन ट्रैवलर हैं तो ज़रूर इस जगह को विजिट करें। अगर आप सिंगापुर में हैं, 2-3 दिन हो जाने के बाद आपको ज़रूर इंडियन फूड का तो ज़रूर ज़रूरत होगा, इसीलिए इस एरिया में आप इंडियन फूड बहुत ही अच्छा फूड मिल जाता है। और इसका सबसे अच्छा अट्रैक्शन यहाँ पे मुस्तफ़ा सेंटर लगा। मुस्तफ़ा सेंटर 24 आवर्स खुला रहता है, और यहाँ पे हर तरह का इंडियन आइटम या फिर इंडियन ग्रॉसरी से लेके फूड तक सब कुछ आपको मिल जाता है। मुस्तफ़ा सेंटर में आप सामान खरीद सकते हैं। उनका एक और ब्रांच है जो कि मुस्तफ़ा कैफ़े, और मुस्तफ़ा कैफ़े में आपको फूड वगैरह सब कुछ मिल जाता है, इंडियन फूड मिलेगा। ये देखिए मुस्तफ़ा कैफ़े, यहाँ पे मेन्यू बाहर में चिपकाया हुआ है, और यहाँ पे जो भी काम करते हैं यहाँ पे सब कुछ हमारा इंडियन है। आप जाके उनसे रिक्वेस्ट करके भी इंडियन फूड का दूसरा फूड भी आप ले सकते हैं। और लिटिल इंडिया में हिंदू टेम्पल वगैरह हैं, और बेस्ट प्लेस फॉर इंडियन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ज़रूर जाने के लिए इस जगह पे। और अगर आप रह रहे हैं सिंगापुर में तो भी आप ट्राई करें कि लिटिल इंडिया के आसपास ही रहें, ताकि आपको सुविधा हो सकता है खाने पीने में। नेक्स्ट आता है दोस्तों बुगिस स्ट्रीट। बुगिस स्ट्रीट है शॉपर के लिए बेसिकली। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो सिंगापुर में सस्ते में शॉपिंग के लिए बुगिस स्ट्रीट इज़ द बेस्ट। अगर आपको महंगा में जाना है तो ऑर्चर्ड रोड है, ऑर्चर्ड रोड है यहाँ पे देख सकते हैं $5 में आपको शर्ट्स वगैरह है। लेडीज़ के लिए सबसे बेहतरीन जगह ये, और मुझे तो जेंट्स के लिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि पता नहीं हमारे हिसाब से मिल नहीं रहा था, लेकिन लेडीज़ के लिए बेहतरीन जगह है सब कुछ। आप जाके अगर आप मुझे लग रहा है कि अगर आप जाएंगे तो ज़रूर यहाँ पर बहुत कुछ शॉपिंग कर लेंगे। और चीप डेस्टिनेशन है, डाउनटाउन कोर में है, कनेक्टेड टू MRT है, कनेक्टेड टू बस स्टॉप है, सब कुछ आसपास में ही है, और चीप फॉर लेडीज़ है। फैशन रिलेटेड है, फैशन रिलेटेड कुछ भी आप चप्पल या फिर ड्रेस कुछ भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सस्ते में आपको मिल जाएगा।
$2 से लेके शुरू है। $2 में भी आपको सामान मिल जाता है, $2, $5, $10 में खर्च करेंगे तो आपको अच्छा क्वालिटी का सामान आपको मिल जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स हैं, अलग अलग फ्लोर में स्टोर्स हैं, 1, 2, 3 लेवल तक भी स्टोर्स हैं, और बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है, करीब करीब 2-3 एकड़ का जगह में फैला हुआ है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग एरिया है बेसिकली। अगर आप सिंगापुर आ रहे हैं तो मेरलियन वगैरह का टाइल वगैरह लेना कभी ना भूलें, या फिर छोटा छोटा चीज़ें जो कि आप खरीद सकते हैं, देखिए सामने में दिख रहा है वैसा ही कुछ कुछ लेके जाएं, सब बहुत ही सस्ता है, $2-3 में आपको मिल जाता है ये सब सामान। या ये बुगी स्ट्रीट का अंदर का वीडियो है, जो कि मैंने स्ट्रीट का अंदर में कुछ कुछ वीडियो शूटिंग किया था। एक और वीडियो मैं लेके आऊँगा बुगी स्ट्रीट के बारे में, डिटेल बताऊँगा कैसे आप वहाँ पे जा सकते हैं, कैसे 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 कनेक्टेड रूट्स हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा आपके सामने में, लेके आऊँगा एक और वीडियो ओनली फॉर बुगी स्ट्रीट दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों चाइना टाउन, ये लास्ट है जो कि टॉप 10 में। चाइना टाउन में आप विजिट कर सकते हैं चाइना टाउन का बुद्धा टूथ रिलिक टेम्पल, यह है बुद्धा का टूथ रिलिक टेम्पल है। और चाइना टाउन जब आप जाएंगे तब यही सबसे बड़ा अट्रैक्शन है चाइना टाउन में, उसके बाद हॉकर सेंटर वगैरह है, शॉपिंग एरिया है, जो कि मैं आगे आने वाले वीडियो में इसी वीडियो में ही थोड़ा आगे में दिखाऊंगा। और ये इसका जो टाइमिंग है 9 AM to 12 PM तक खुला रहता है ये बुद्धा टूथ रिलिक टेम्पल, अंदर जाके आप प्रेयर वगैरह का आनंद ले सकते हैं। एस्थेटिक प्लेस है बेसिकली ये, और यहाँ पे आपको चाइना टाउन हेरिटेज सेंटर भी मिल जाएगा, डूरियन जो कि आप जानते हैं, डूरियन जो सबसे टेस्टी मतलब फूड का जो किंग है डूरियन, राइट, वो भी आपको यहाँ पे ही मिलेगा खरीदने के लिए, बाहर कहीं पे भी अलाउड नहीं है बेचने के लिए, लेकिन चाइना टाउन में आपको वो मिल जाएगा। और अलग अलग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो कि चाइनीज़ आइटम वगैरह आप यहाँ पे ख़रीद सकते हैं, बहुत ही अच्छा, क्योंकि आप जानते हैं सिंगापुर में चाइनीज़ भी बहुत ज़्यादा रहते हैं पॉपुलेशन में, तो उनका रिलेटेड ही आइटम यहाँ पे मिल जाएगा। और डुरियन आइसक्रीम मिलता है यहाँ पे, हमने उसका भी मज़ा लिया था, और $1 में बेसिकली आइसक्रीम देख सकते हैं अलग अलग वैरायटी का मैंगो, ये है डुरियन दोस्तों। यहाँ पे अगर आप जाएंगे चाइना टाउन में आपको वहाँ पे मिलेगा डुरियन का फूड का जो टेस्ट है बहुत अच्छा है, लेकिन स्मेल बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए गवर्नमेंट में उसको मना करके रखा है। आप कहीं पे भी MRT वगैरह में या ट्रेन वगैरह बस कहीं पे भी आप डुरियन लेके ट्रैवल नहीं कर सकते, ये एक ही एरिया जहाँ पे कि आप $1 for $5 दोस्तों, एक आप खरीदेंगे तो आपको $5 पे करना पड़ेगा, ये उसको ओपन करेंगे वहीं पे ही आपको सील करके दे के जाएंगे, तो अच्छा टेस्ट है, आप एक बार ट्राई करें जरूर सिंगापुर आए तो डुरियन फूड का। फ्रूट है दोस्तों बेसिकली ये। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, यही 10 था मेरे सामने में, ये है चाइना टाउन हेरिटेज सेंटर जो मैंने आपको पहले से बता दिया, और ये 10 जगह ज़रूर विजिट करें आप, और ज़्यादातर इतना पैसा में तो आप कर ही सकते हैं हर जगह पर विजिट। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कुछ भी कमेंट्स देना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए दोस्तों, और कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल में कोई भी फैमिली में ट्रैवल कर रहा है सिंगापुर को, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें कभी भी, और मेरे पास जितना और इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपके सामने में शेयर करने की कोशिश करूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। दोस्तों थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।